आप सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने इस सुंदर समय को हमारे जीवन में दिया और रात भर संभाल कर परमेश्वर ने एक नई सुबह को हमारे जीवन में दिया। तो आइए हम उस परमेश्वर का धन्यवाद करें और उससे प्रार्थना करें। तो हम सब मिलकर परमेश्वर के जीवित वचन से पढ़ें। यशाया 61 उसका 7 पद में परमेश्वर का वचन कुछ इस प्रकार से कहता है, तुम्हारी नाम धराई के बदले दुगना भाग मिलेगा, अनादर के बदले तुम अपने भाग के कारण जय जयकार करोगे, तुम अपने देश के दुगने भाग के अधिकारी होंगे और सदा आनंदित बने रहोगे। आमेन। सच में हमारा परमेश्वर महान है। वह हमारे नाम धराई के बदले हमें आदर देता है, हमारे अनादर के बदले हमें आदर देता है और हमेशा हमारे जीवन में आनंद की भरपूरी को देता है। तो आइए हम उस जीवित परमेश्वर से, उस आनंद देने वाले परमेश्वर से प्रार्थना करें कि वो इस वचन के अनुसार हमारे जीवनों में कार्य करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु उन लोगों के लिए प्रभु जिनके जीवन में प्रभु जी बहुत प्रभु परेशानी है प्रभु, और लोग प्रभु नाम धराई करते हैं प्रभु, उन्हें तुच्छ जानते हैं और उनका अनादर करते हैं परमेश्वर पिता। प्रभु हम उन लोगों के लिए दुआ करते हैं प्रभु कि आप उनके अनादर के बदले प्रभु उन्हें आदर दें परमेश्वर, उनकी नाम धराई के बदले परमेश्वर पिता आप उन्हें दुगना भाग दें परमेश्वर, अपने वचन के अनुसार परमेश्वर पिता आप हर एक को प्रभु आदर दें मेरे पिता परमेश्वर। आपसे दुआ है परमेश्वर पिता कि आप प्रभु संसार में प्रभु जी जिन लोगों को पिता परमेश्वर लोग तुच्छ जानते हैं प्रभु, उनकी नाम धराई करते हैं परमेश्वर और पिता उन्हें तुच्छ जानकर प्रभु उन्हें कुछ भी नहीं समझते, प्रभु हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु कि उनके टूटे मनों को आप जोड़े परमेश्वर और उनके नाम धराई के बदले प्रभु आप उन्हें दुगना भाग दे प्रभु, आप उनके अनादर के बदले प्रभु उन्हें परमेश्वर आदर दे प्रभु जी, और प्रभु अपने आनंद से प्रभु उन्हें भरे परमेश्वर पिता। प्रभु जो लोग अकेला महसूस करते हैं, असफल महसूस करते हैं परमेश्वर, आप उन्हें भी प्रभु उनके जीवन में दुगना भाग दें परमेश्वर पिता प्रभु, क्योंकि आप प्रभु हर एक के जीवन में अद्भुत कार्य करने वाले परमेश्वर हैं मेरे यीशु। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आप उनके संग में होइए प्रभु जी। यदि कोई प्रभु किसी के घर में प्रभु किसी का अनादर होता है प्रभु, यदि या फिर उसके किसी भी क्षेत्र में उसका अनादर होता है परमेश्वर, आपसे प्रभु लोगों के लिए हम दुआ करते हैं पिता कि आप उनके अनादर को प्रभु जी आदर में बदल दीजिए, आप उनके नाम धराई को परमेश्वर दुगना भाग उन्हें आप उन्हें दें परमेश्वर। प्रभु धन्यवाद करते हैं कि आपने उनके जीवनों में आशीषें दी प्रभु, आपने उनकी इन गलत बातों को दूर करके प्रभु अपने आनंद से भर दिया परमेश्वर, कि आपने प्रभु उनके जीवन में बड़े बड़े कामों को किया है प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्रभु, जितने भी लोग प्रभु तुझसे प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु अपनी इच्छाओं के लिए, अपनी योजनाओं के लिए प्रभु आप उनकी योजनाओं को सफल करें। यदि कोई अपनी बीमारी के लिए तुझसे प्रार्थना करता है प्रभु, तो आप उनकी बीमारियों को चंगा करें प्रभु। हर एक पर आपका आशीष हो, विशेषकर अपने वचन के अनुसार आप हर एक के जीवन में कार्य करें। धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारी प्रार्थना का उत्तर हाँ और आमीन में दे दिया। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन और आमीन।